एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ ग्राम महुजा के इस्लामिया प्राथमिक पाठशाला के प्रबंधक मोहम्मद हिदायतुल्लाह ग्राम कमेटी द्वारा मोहम्मद साहब का जन्मदिन जश्न ईद मिलाउद्दीबी बड़े धूमधाम से मनाया गया। देर रात्रि चलता रहा, इसमें मुफ्ती मुजाहिद हुसैन इलाहाबादी व मुबारक हुसैन चतुर्वेदी भभुआ बिहार द्वारा मोहम्मद साहब के बारे में बखूबी से बताया गया। उनके जीवन के बारे में भी बताया गया और बताया गया कि सबको मिलजुल कर एक एकता की रस्सी में बांधकर चलने का संदेश मोहम्मद साहब ने दिया था। उन्हीं के बताए गए मार्ग पर चलने का अनुसरण करें। इसके मुख्य आयोजक प्रबंधक मोहम्मद हिदायतुल्लाह बड़े उत्साह के साथ मनाने का कार्य किया, जिसमें ग्राम और क्षेत्र के संभ्रांत लोग शामिल रहे। राकेश राय, साधु भानु प्रताप, अनुपम सिंह लक्की, ग्राम प्रधान फूलचंद राजभर, फौजी आदि लोग उपस्थित रहे। आई देखे मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। जान देने की हकीकत है कि न हिंदी से मतलब, न उर्दू से मतलब, मुसलमान से मतलब, न हिंदू से मतलब। इस घड़ी प्यार आका की आमद हुई, इस घड़ी प्यार सब मिलके यक्षा चमन में रहे, फूल सब मिलके यक्षा चमन में, हमें तो फकत उसकी खुशबू से मतलब। और ये हमारे देश की संस्कृति है, ये हमारे देश के एकता की परिभाषा है कि राम सिंह शेर खान कहते हैं दो बदन एक जान कहते हैं, हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर इसको हिंदुस्तान कहते हैं। हम जो बैठे हैं आज मिलजुल कर इसको हिंदुस्तान। शिक्षा प्रदान करते हैं और मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी। देखिए, मोहम्मद साहब का जन्मदिन आज हम लोग बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और हमारे क्षेत्र के लोगों का सहयोग रहा है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हमारे धर्म को मानते हैं और एक दूसरे को गले भी लगाते हैं, इसलिए बहुत ही खुशी का माहौल है और मिलकर प्रशासन के लोग, यहाँ पे मीडिया कर्मी, यहाँ पे हमारे हिंदू बिरादरान और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जिम्मेदार लोग मौजूद हैं कि मैं ये चार मिसरे कहने पे मजबूर हूँ। इस एकता के संगम को देखने के बाद यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है, इस महुजा गांव में आने के बाद, कि इस गांव में आकर हमारे हिंदू भाई, हमारे पत्रकार बंधु, हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी या इस क्षेत्र में सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी हमारे फ्रंट चेहरे हैं, वो सारे लोग इस बात का संदेश दे रहे हैं। मोहम्मद साहब का जन्मदिन है और यहाँ बहुत धूमधाम से जलसा मनाया जा रहा है और बहुत ही खुशी का माहौल। इस विषय पर बताने के लिए, क्योंकि आपके ही नेतृत्व में कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, हमारे गांव में जो जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो जश्न आज मनाया जा रहा है, ये हम लोग पहले से मनाते चले आ रहे हैं और आज भी इतने हर्ष और उल्लास के साथ जो जश्न ईद मिलादुन्नबी हम लोग मना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा अहम योगदान हम यूपी गवर्नमेंट के प्रशासन को देते हैं कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है, जिसकी वजह से हम लोग शांति के साथ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन्नबी को आराम से मना रहे हैं। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हमारे हुजूर साहब लोगों की दिक्कतों को झेलते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाए, एक नया संदेश दिए, ये सभी को एकता के सूत्र में बांध कर चलने का संदेश दिए हैं, उसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज,
हमारा देश, हमारा गांव और क्षेत्र सभी एकता के सूत्र में बंध करके शांति व्यवस्था कायम रखते हुए अपने अपने धर्मों को मानते हुए अपने अपने कर्मों पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद। काफी खुशी का माहौल है। बहुत 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 एक सब यहाँ एक सेकंड सब यहाँ बहुत बहुत खुशी का माहौल बहुत सर बहुत और बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दो कड़ी आप बचाने की कृपा। दो कड़ी बस यही है कि हमारे गांव में जितने भी बड़े बुजुर्ग नौजवान सब बहुत खुश हैं। राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।